الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى وبناته وإطرته وعلماء سنته وأولياء أمته وأحباب ملته وأولاد نبيه وأحباب ملته وأولاد نبيه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت نال الصلاة والسلام عليك يا اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی دو عالم احمد مجتبی غریبوں کے غمخوار آقا حسین کے نانا فاطمہ کے ابا میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام بزرگو عزیز بھائیو ماہ رمضان المبارک دا اج آخری جمعہ جسنو جمعۃ الوداع کیا جاندا ہے اللہ کریم دا کروڑ ہا مرتبہ شکر کہ اللہ نے زندگی دے اندر صحت تندرستی دے نال اللہ نے سانو جمعۃ الوداع ویکھنا اور مالک نے پڑھنا نصیب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح جمعہ دنیا تے ہوندا ہے اسی طرح جمعہ رب دے عرش تے ہوندا ہے ساڈا جمعہ حد 3 بجے تک مک جاندا ہے او جمعہ فجر دیاں اذاناں تو لے کے تے مغرب دیاں اذاناں تک او جمعہ رہندا ہے تے فرشتیاں دا سردار جی دا نام جبریل ہے جناب جبریل امین عرض کردے نے مالکا میں جو منگاں گا تینوں عطا کرنا پوے گا رب فرماندا ہے اے میرے فرشتیو جو منگو میں رب عطا کراں گا جدوں مغرب دا ویلا ہوندا ہے تے جناب جبریل امین علیہ السلام فرماندے نے فرشتیو تیار ہو جاؤ ہن رب کولو منگن دا ٹائم آیا ہے فرشتے کہندے جناب منگو منگو کی منگ دے ہو ادرا توجہ کرنا جناب جبریل امین علیہ السلام ہاتھ چک کے دعا کردے نے مالکا اے عرشاں والے ربا صبح تو لے کے شام ہو گئی ہے بندے تے ایسے نہیں کہ تھک جائیے گلا بہ جائے تیرے فرشتے ہیں یا اللہ جنی
जानी तेरी इबादत की दिए अल्लाह इदा अजर और सवाब तेरे को मांगने आ रब फरमांदा मैं अजर भी देना मैं सवाब भी देना जबरील अर्ज कर दे मालिका अपने वास्ते नहीं जेड़ा सा जुम्मातुल विदा अदा कीता इदा सारा सवाब मुहम्मद दी उम्मत नु पेश करने आ अल्लाह करीम फरमांदा है फरिश्तियो गवाह रहो जेड़ा जेड़ा भी मुहम्मद उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जुम्मातुल विदा पढ़ने वास्ते मस्जिद अंदर दाखिल होया मैनु कसम है अपनी रबूबियत दी मैनु कसम है मुहम्मद अरबी दी मैं ओनु गुनामा तो इंज पाक कीता जिवें अज मां दे पेटो बाहर दुनिया ते आया हजरात ए जुम्मातुल विदा अज अख हर अख बड़ी खुश है और दिल रोंदा है पिया ओदी वजह अख क्यों खुश है कि हर पासे ते आंग मारो आशकां दा हजूम मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां दा ठाठा मारदा है समुंदर लेकिन दिल इस वास्ते रोंदा है पिया ए रमजान साडे तो अलविदा हो रहा है अगला साल आएगा पता नहीं साडे अंदर किन्नू ए वेखना नसीब होना कि नहीं होना गनीमत जानिए मिलकर बैठने को जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है लेकिन हजरात रमजान जान तो बाद कोई 10 बंदे 15 बंदे 20 बंदे लेकिन अल्लाह का शुक्र है माह रमजान मुबारक दे महीने दे अंदर अल्लाह ने मुहम्मद दे गुलामा नु तफीक दिती हर जगह ते हर मोहल्ले दे अंदर हर पिंड दे अंदर हर शहर दे अंदर जिथे भी तेहान मारो ओथे मदीने वाले दे गुलामा दा ठाठा मारदा समुंदर है और हर अख खुश और हर दिल परेशान है या अल्लाह जिस तरह माह रमजान मुबारक दे अंदर अपने घरां दी रौनकां नु बहाल कीता ही पूरा साल मालिका ऐसे तरह अपने घरां दी रौनकां नु बहाल फरमा हजरात रमजान मुबारक दा महीना मेरे आका अली सलाम ने फरमाया कयामत दा दिहाड़ा होवेगा ए रमजान मुबारक बंदियां दी शफाअत करेगा रब दी बारगाह अर्ज करेगा अर्शां वालिया रब्बा ऐ बंदा होवे जिन्हें रमजान दे महीने दे अंदर मेरा अदब कीता सी रमजान दे महीने दे अंदर इन्हें मेरी इज्जत कीती सी रब फरमाएगा क्या तू राजी है ए रमजान दा महीना कहेगा हां अल्लाह मैं इदे ते राजी हां ते जदों रमजान साडे ते राजी हो गया ते अल्लाह करो फरमा दे फिर मैं किताबां दे अंदर पढ़िया है माह रमजान उल मुबारक जिते तो नाराज होके दुनिया तो टुर गया रमजान उल मुबारक दा महीना आया असा अदब ना कीता एहतराम ना कीता रमजान चला गया कयामत दे दिहाड़े जिन्ने मर्जी भी अमाल होए रमजान दे महीने दे अंदर अगर तू रमजान दा अदब नहीं ना कीता रमजान दा एहतराम नहीं ना कीता अगर रमजान ने रब दी बारगाह अंदर तेरी शिकायत ला दित्ती कोई अमल रब दी बारगाह अंदर कबूल नहीं होना दुआ करिए रब दी बारगाह या अल्लाह ए तेरा मुबारक महीना ए तेरा मेहमान जड़ा साडे कोल है असी दी कदर ते नहीं कर सके मालिका असी दा एहतराम ते नहीं कर सके पर जिन्ने जोगे आ तेरे महबूब दे सदके दे नाल असी रोजे भी रखदे रहे आ नमाजां भी अदा करदे रहे आ कुरान दी तलावत भी करदे रहे आ सदका खैरात भी करदे रहे आ मालिक का तेरा महीना ए तेरा मेहमान साडे तो राजी जाए मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिदे तो रमजान मुबारक दा महीना राजी हो के चला गया मैं मुहम्मद नु जन्नत दी बशारत अदा करना हजरात अल्लाह करीम दा करोड़ हा मर्तबा शुक्र है मालिक ने सानू जिंदगी दे अंदर माह रमजान मुबारक दा मुबारक महीना और फिर इदा आखरी जुमा जुमातुल विदा अल्लाह ने वेखना और मालिक ने पढ़ना नसीब फरमाया है आज दे जुमातुल मुबारक दे अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे आका दा गुलाम पावुरदा या गोशे नबूवत जाने कायनात असले कायनात हजरत सैयदना अली रदियल्लाहु तआला अन्हो आप दी सीरत मुतलक और एंड ते आप दी शहादत दा जिन्नी भी अल्लाह रसूल दा फजल होया अल्लाह रसूल दे फजल तो बाद वालदैन दी दुआवां हजूर
हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह दी निगाह और अदाद सदका अल्लाह ने जिन्नी तफीक अता की थी इंशाल्लाह बयान करांगा। उसी बड़ी तवज्जो दे नाल बड़े प्यार दे नाल समाज करना है। अल्लाह दे नबी दा फरमान है मेरा अली होवे जिदा जिक्र करना भी इबादत है। मेरा अली होवे जिदा जिक्र करना भी इबादत है। मेरा अली होवे जिदा चेहरा वेखना भी रब दी इबादत है। मेरा अली होवे जिदा जिक्र सुनना भी रब दी इबादत है। तो असी नसीबा वाले हाँ कि सानू अल्लाह ने अपने महबूब दे महबूबा दा जिक्र करन वास्ते जिक्र सुनन वास्ते अल्लाह ने सानू मौका अता कीता। हजरात अल्लाह करीम ने कुरान करीम फुरकान हमीद अंदर इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह फरमांदा बेशक ओ लोग जिन्ना ने अमल चंगे कीते। रब फरमांदा ओ लोग जिन्ना ने अमल चंगे कीते फिर उन्होंने रब दी बारगाह दे अंदर पहले ईमान आंदा फिर उन्होंने अमल चंगे कीते। अल्लाह फरमांदा मैं फिर उन्होंने इनाम की देना उन्हां दा प्यार मैं लोकां दे दिलां अंदर पा देना। हजरात समझदार अहबाब तशरीफ फरमाओ जिन्ने असी अहबाब तुसी तशरीफ फरमाओ साडे अंदर अगर 100 बंदा है ते 100 दे अंदर 20% ऐसे बंदे ने जिन्ना नु अपने दादे दे नां दा नहीं पता और 100 दे अंदर 80% ऐसे लोग ने जिन्ना नु पड़दादे दे नां दा नहीं पता। हजरात अल्लाह दा कुरान है अल्लाह फरमांदा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात बेशक ओ लोग जिन्ना ने ईमान आंदा और ईमान ले आन तो बाद जिन्ना ने अमल चंगे कीते उन्हां मैं दो इनाम की देना पिया उन्हां दा प्यार मैं लोकां दे दिलां अंदर पा दित्ता है। हजरात बच्चा जवानी बाद अंदर चढ़ेगा बच्चा दादे दे नां तो बाद अंदर वाकफ होवेगा। हजूर दा गुलाम दाता अली हजवेरी दे नां तो पहले वाकफ होवेगा। शेख अब्दुल कादर जिलानी दे नां तो पहले वाकफ होवेगा। गाजी इल्मुद्दीन दे नां तो पहले वाकफ होवेगा। इदी वजह इन्हां ने रब दे हुक्म दी तमील की थी है। अल्लाह फरमांदा जेड़ा बंदा ईमान ले आए फिर अमल चंगे करे फिर मेनू राजी करे ते मेरे महबूब नू राजी करे ओ बजाहर ते दुनिया तो तुर जाएगा। मैं ओनू मरण नहीं देंगा बल्कि ओदा चर्चा मैं कयामत तक जारी फरमा दूंगा। हज़रात मसले के अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा और साडा ईमान की अकीदा है वे साडे ईमान दा मरकज साडे अकीदत दा मरकज साडी मुहब्बत दा मरकज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात है। असी जिन्नू भी मनने आ हजरात जुब्बा कुब्बा देख के नहीं मनदे असी ओदे चाल रफ्तार गुफ्तगू वेख के नहीं मनदे असी जिन्नू मनने आ मदीने वाले दी वजह तो मनदे असी जिदे नल प्यार करने आ मदीने वाले दी वजह तो प्यार करने आ। हजरात बावजू हो के मिम्बरे रसूल दे बैठ के अर्ज कर लंगा अल्लाह दी कसम हजूर दी शफात नसीब ना होवे अगर झूठ बोलना थे मैं कदी भी अबू बकर दा नां ना लेंदा जे मुहम्मद दा गुलाम ना हुंदा कदी भी फारूक आजम दा सी नां ना लेंदे कदी भी फारूक आजम दा जिक्र ना करदे अगर फारूक आजम मुहम्मद दा गुलाम ना हुंदा कदी भी उस्मान दा जिक्र ना करदे जे उस्मान मुहम्मद दा गुलाम ना हुंदा कदी भी तू ते मैं अली अली ना करदे जे अली मुहम्मद दा गुलाम ना हुंदा। असी जिदे नल प्यार करने आ जिदे नल तलक जोड़ने आ प्यार करन तो पहले तलक बनान तो पहले असी वेने आ इदे सीने अंदर मुहम्मद दा प्यार है। अगर मुहम्मद दा प्यार है असी सलामा करने आ मुहम्मद दा प्यार है असी ओदी ताबेदारी करने आ। अगर मुहम्मद दा प्यार नहीं ना पिंड दा चौधरी होवे और ओदी जनाबे वाला बल्ले बल्ले भी बड़ी होवे ना ओदा अबू जहल होवे असी लण दे भेजने आ। काले रंग दा बिलाल होवे जात दा हबशी होवे मोटे मोटे होंठ होण पैरां दीआं बियाईआं फटियां होण सुक्के टुकरां दे गुजारा करन वाला होवे असी सुन्नी अलहमद अल्लाह बिलाल दे कदमां तो कुर्बाना। इदी वजह इदा तल्लक जो इमामुल अंबिया दे नाल है इदा लिंक जो इमामुल अंबिया दे नाल है। मेरे आका अली सलाम ने फरमाया लोगो जिन्नू मैं कबूल कीता जिदे नाल मैं प्यार कीता जिन्नू
मैं पसंद कीता ओनी देर मैं मुहम्मद पसंद नहीं करदा जिन्नी देर मेरा अरशा वाला रब पसंद नहीं फरमांदा। जिन्हू मेरा अल्लाह पसंद करता है उन्हें मैं पसंद करना, फिर जिन्हू मैं पसंद करना उन्हें जबरील पसंद करता है, जिन्हू जबरील पसंद करता है उन्हें फिर सारे फरिश्ते पसंद करते ने, जिन्हू सारे फरिश्ते पसंद करते ने फिर उन्हें पूरी दुनिया के मोमन सारे उन्हें पसंद करते हैं। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने नबूवत फरमान तो पहले मेरे आका अली सलाम ने अपनी बलादरी में आठ बने कुनबे नु अपने कबीले ने इकट्ठा किया, उन्हां दी सरकार ने दावत की, अल्लाह दे नबी ने बकरी ज़िबा की थी। सीरत दी किताबां दे अंदर आउंदा है मेरे आका ने पंजाबी कह लो कि छोटा गोश्त सरकार ने खिलाया और नाल मेरे आका ने बकरी दा दुध भी पिलाया और अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खिला लिया। बलादरी दे कुनबे ते कबीले ने खाना खा लिया, वो बिल्कुल फ्रेश हो गए। उन मेरे दे तेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने वो कुनबे ते बलादरी वाले कह लगे ऐ मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू कादे वास्ते बुलाया है, ओ सानू दसो किस गर्ज़ो गायत वास्ते तुसा सानू बुलाया है, किस गर्ज़ो गायत वास्ते तुसा जनाब ने दावत की थी। हजरात तवज्जो करना, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका खड़े हो कि मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे कुनबे ते कबीले वाले हो, ऐ मेरी बलादरी वाले हो, सुनो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह दा रसूल हां, अल्लाह तो अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह तो अलावा कोई भी इबादत दे लायक नहीं। इबादत करनी जे तो एक खुदा दी करो, इबादत करनी जे उस खुदा दी करो जिन्ने जमीन बनाई, जिन्ने आसमान बनाया, जिन्ने लो बनाई, जिन्ने कलम बनाई, ते मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा नबी और अल्लाह दा बंदा बन के आया। वो सरकार नहीं नहीं गल की थी, कोई बलादरी वाला नहीं बोलिया, कोई कुनबे वाला नहीं बोलिया, एक छोटा जिहा बच्चा सामने खड़ा होया, खड़ा होके कहंदा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गवाही देना तुसी भी सच्चे, तुहाडा दीन भी सच्चा, तुहाडा खुदा भी सच्चा, होर कोई मनदा या नहीं मनदा, मैं मनना वा। जदों कुनबे दे कबीले वाले ने ध्यान मारिया इस बच्चे वाल देखिया कि बच्चा कौन है, अबू तालिब दा पुत्र जिदा ना अली है, जिदे मुतल्लक मेरे आका ने फरमाया मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, जिदा मैं मौला होदा अली मौला। अगरात कुनबे ते कबीले वाले ने वेखिया ना, उन्हें कहते बच्चा आप नू मैं सरकार ने फरमाया बह जाओ, अली बह गए, कुनबे कबीले वाले चले गए। फिर कुछ दिन लंघे, फिर दावत की थी, फिर इकट्ठा किया, फिर सरकार ने फरमाया, फिर अली बोलिया, फिर सरकार ने फरमाया बह जाओ, कुनबे कबीले वाले कहने लगे ते बच्चा। फिर अगला दिन आया, दो चार पाँच दस दिन लंघे, फिर दोबारा तीजी मरतबा दावत की थी, फिर बुलाया, फिर मेरे आका ने ऐलान किया, फिर कोई नहीं बोलिया, फिर अली खड़े हुए। मेरे आका अली सलाम ने अली वाले देखिया ते ओ कुनबे कबीले वाले कह लगे ये ते बच्चा है। अली फरमान लगे कि वेला आएगा, अज ते मैं तुहानूं बच्चा नजर आना, एक वेला आएगा उदों बच्चा नहीं नजर आवांगा, उदों इश्क दे अंदर पूरा नजर आवांगा। अजीजा ने ग्रामी तवज्जो फरमाना, वक्त गुजरदा गया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों औरतां दे विचों जिन्ने सब तो पहले ईमान आंदा और रईस मक्का हजरत सैयदा खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जनाबे खतीजा ने मुहम्मद दा कलमा पढ़िया ते मर्दां दे विचों जिन्ने कलमा पढ़िया ओदा नां अबू बकर सदीक, लोगो बच्चियां दे विचों जिन्ने कलमा पढ़िया हजरात दो दा नां अली है, ओदा नां अली है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामो ते फिर गुलामा दे अंदर जिन्ने कलमा पढ़िया सब तो पहले ओदा नाम बिलाल अबशदा रहने वाला ओ मैया बिन खलफ दा गुलाम है। अदरात वक्त गुजरदा गया
गया घड़ियां गुजरनियां गईया इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम मेरे आका ने सलातो व सलाम एक दिन बैठे होए ने अली पाक की सरकार दे कोल बैठे होए ने लगभग नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा जी आका फरमाया तुसी जान दो है कौन है लोगो तवज्जो मेरे वल करना लजपाल नबी ने फरमाया तुसी जान दो है कौन है सहाबा ने निगाह कीती तेरज कीती सोनिया हां असी जानने अबू तालिब दा पुत्र है इदा ना अली है लजपाल नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुन लो ए मेरा वीर अली होवे जदों पैदा ते मक्के अंदर होया पैदा ते हरमे काबा दे विच होया पर अली ओनी देर अखा नहीं खोलदा जिन्नी देर मैं मुहम्मद सामने नहीं आउंदा फरमाया लोगों सुन लो ऐ मेरा अली होवे जिन्नी अखा ओनी देर नहीं खोलिया जिन्नी देर मैं मुहम्मद सामने नहीं होया फिर फरमाया मैं मुहम्मद हुआ जिन्ने अली नू गुड़ती दिती मैं मुहम्मद हुआ जिन्ने अली दी परवरिश कीती फरमाया अदरा तवज्जो करना लजपाल नबी ने फरमाया ए मेरा अली होवे मेरा अली होवे जड़ा पैदा होया ते अखा नहीं खोलिया मेरा अली होवे जड़ा पैदा होया ते अखा नहीं खोलिया तवज्जो करना मेरा अली होवे पैदा होया ते अखा नहीं खोलिया मेरा अली होवे जिन्हों गुड़ती मैं मुहम्मद ने दिती है मेरा अली होवे मैं अपनी जबान दे अंदर अपने मुंह दे अंदर लुकमे चबा चबा के मैं अली नू खवांदा रहा वा और मेरे नबी लजपाल नबी ने फरमाया मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरे रहीम नबी ने फरमाया ऐसे सहाबा सुन लो मैं मुहम्मद हुआ जिन्ने अली दी परवरिश कीती फरमाया सहाबा सुन लो जेड़ा मेरे नाल प्यार करेगा ओ अली नाल प्यार करेगा जेड़ा अली नाल प्यार करेगा मेरे अल्लाह नाल प्यार करेगा जेड़ा मेरे नाल प्यार करेगा ओ जनाबे वाला अली नाल प्यार करेगा जेड़ा अली नाल प्यार करेगा ओ मेरे अल्लाह नाल प्यार करेगा हजरात तवज्जो करना मौला अली को पूछया गया अली तू अखा क्यों नहीं सा खोलदा हरमे काबा दे विच पैदा होया जिदे मुतलक नबियां दे सरदार दा फरमान है लजपाल नबी ने फरमाया करीम नबी ने फरमाया की फरमाया मेरे आका ने फरमाया जड़ा बंदा काबे वल बगैर कोई जिक्र अज़कार करण तो अलावा नमाज़ा पढ़न तो अलावा कुरान की तलावत करण तो अलावा जड़ा बंदा टिकटिकी ला के काबे नू वेंदा रवेगा काबे नू वेखना भी अल्लाह की इबादत होवेगी मोहब्बत न कहो यार सुभान अल्लाह काबे नू देखना भी अल्लाह दी इबादत होवेगी हजरात तवज्जो करना अली कोलो पुछया गे अली ए ते दस तू क्यों नहीं अखां खोलदा ए लोगो उस वेले अली बोल के फरमांदे ने कायनात वाले हो अगर मैं अखां खोलदा मेरी निगाह मेरी मां दे चेहरे ते पैंदी है मेरी निगाह काबे वल पैंदी मैं चांदा ए जिथे मैं पैदा होया वा ओ बैतुल्ला जिथे मैं पैदा होया वा सुनियो मैं किया ना पिया जिथे मैं पैदा होया ओ बैतुल्ला मैं चांदा है सा जदों मैं अखा खोला सामने हबीबुल्ला हो
जिथे आया वे बैतुल्ला जदों मैं अखां खोला ते सामने हबीब बुलायो वे लजपाल नबी दी रहमत जोश अंदर आ गई। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, मेरे करीम नबी ने फरमाया, ऐसे हाबा सुन लो, अगर अली ने इस वास्ते अखां नहीं सन खोलिया, फरमाया मैं मुहम्मद अली नूं इनाम देना वा। सहाबा जेड़ा अली दे चेहरे नूं तकेगा, अल्लाह उहनूं इबादत दा सवाब अता करेगा। जेड़ा अली दे चेहरे नूं तकेगा, अल्लाह उहनूं इबादत दा सवाब देवेगा। अली दे चेहरे नूं तकना इबादत। फिर सहाबा कीती सोना जे अली ना मिलन ते, फरमाया फिर अली दा जिक्र करना भी इबादत। आका अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो सोना जे कोई बंदा जिक्र ना कर सकता हो, आका ने फरमाया सियाबा सुनो, अली का चेहरा देखना भी इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत। अगर जिक्र कर नहीं ना सकता, अली का जिक्र सुनना भी अल्लाह की इबादत। अजीजा ने ग्रामी तवज्जो फरमाना, इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम, लोगो जिंदा ना अली है कौन अली जिदे मुतलक हजूर अल-हज़रत अज़ीम अल-बरकत इमाम मौलाना शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह रब दा वली फरमांदा, सुनियो तवज्जो करना, असां कदी बयान नहीं कीता, असीं कदी लोकां नूं ए नहीं आखिया, हम भी अली को मानते हैं, हम भी अली को मानते हैं, बल्कि असी दे गली गली नगर नगर कूचे कूचे ये आने लोगो, हम ही अली को मानने वाले हैं। ओए लोगो असी अली नू मनने आ, जिमें असी अली नू मनने आ, दूजा इंज कोई अली नू नहीं मनदा। हज़रात तवज्जो करना, इमाम मुत्तकीना अली बने अभी तालिब रदी अल्लाह ताला नो, लोगो अली किन्ना दा इमाम हज़रत फरमांदे ने, अली इमामुल मुत्तकीना, अली इमाम मुत्तकीन दा, अली इमामुल मुत्तकीना, अली इमाम दातालिया जवेरी दा, अली इमामुल मुत्तकीना, अली इमाम अजमेर दे ताजदार दा, अली इमामुल मुत्तकीना, अली इमाम मुहद्दस अली पुरी दा, अली इमामुल मुत्तकीना, अली इमाम शेर रबानी दा, अली इमामुल मुत्तकीना। साडा अली किसे पंगी दा इमाम नहीं, साडा अली किसे शराबी दा इमाम नहीं, साडा अली किसे पंगी दा इमाम नहीं, साडा अली किसे शराबी दा इमाम नहीं, साडा अली इमाम किन्ना दा, साडा अली इमाम उन्ना दा, वल्लीना यबी तूना निरबीहिं सुजदाऊं वाकियामा। अली इमाम तमाम मुत्तकीन दा, अली इमाम नबी दे तमाम उलामा दा, लोगों मेरा अली होवे जनाबे अली रदी अल्लाह ताला नो। एक बार इमामुल अंबिया दा गुलाम अफजल बशर बाद अंबिया बिल्ली तकफा जनाबे सदीक अकबर रदी अल्लाह ताला नो राह दे अंदर जांदे ने, जनाबे मौला अली दे नाल मुलाकात। तवज्जो करना, मौला अली दे नाल मुलाकात हुई, जनाबे हजरत अबू बकर सदीक फरमांदे ने, अली तेनू मुबारक होवे। इंज नहीं मुहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह, क्योंकि नबी ने फरमाया अली का जिक्र करना भी इबादत है, ते अली का जिक्र सुनना भी इबादत है, ते अली का नाम हाथ चुक के लेना मेरे आका दी सुन्नत।
हजरत जनाब अबू बकर सदीक मिले ना, आपने फरमाया अली तेनु मुबारक हो। जनाब अली ने फरमाया सदीक कादी मुबारक। फरमाया मैं नबी दी बार के अंदर बैठा सा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया अबू बकर जन्नत दे अंदर ओ जाएगा जिन्नू टिकट अली दवे। अदराद चाहिदा देसी ना जनाब अली फरमा दे हां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान दे बारक के ना अल्लाह दे नबी ने जो फरमाया ठीक फरमाया है। जन्नत अंदर ते हो जाएगा जिन्नू टिकट मैं देवांगा। सुनियो इत्थे वेखी तेरा ते मेरा अकीदा दारों लगा। असी मेरे अली नू नहीं मनदे, असी अली दे 18 पुत्रां नू भी मनने आ। असी कलियां अली नू नहीं मनदे, अली नबी पाक दे खलक दे 26,000 सहाबा नू भी मनन वाले आ। तवज्जो करना, असी अली नू भी मनने आ, अली दे भरा जाफर ते यार नू भी मनने आ, असी अली दे भरा अकील नू भी मनने आ। सुनियो तवज्जो मेरी गल वल करना कायनात वाले हो। जनाबे मौला अली फरमांदे ने ऐ अबू बकर सदीक तेनू भी मुबारक होवे। जनाबे हजरत अबू बकर सदीक फरमांदे ने अली मेनू कादी मुबारक बांधेंदे हो। फरमाया अबू बकर जे तुसा नबी को नो सुनया है के जन्नत दे अंदर हो जाएगा जिन्नू टिकट अली दवेगा ते मेनू नबी ने फरमाया है अली सुन ले टिकट ओनू देवी जिदे सीने दे अंदर अबू बकर दा प्यार होवेगा। ऐ प्यारे अली टिकट ओनू देवी जिदे सीने दे अंदर सदीक अकबर दा प्यार होवेगा। सुनियो अपने कीदे ते नाज करया करो, असी अबू बकर दे भी गुलाम आ, असी उमर दे भी गुलाम आ, असी उस्मान दे अली नू भी मनन वाले आ। और मेरे आका अली सलातो व सलाम दा आखरी अयाम, मेरे नबी दे मिसाल दे अयाम करीब ने। और नबी करीम अली सलातो व सलाम दी हयाती मुबारक दे अंदर 17 नमाज़ां सदीक अकबर ने पढ़ाया। कोई मुल्ला मुफक्कर मुहद्दस बयान नहीं कर सकता कि अली ने एक नमाज भी अबू बकर दे मगर छड़ी होवे, अली ने एक नमाज भी जड़ी कजा की होवे, बल्कि किताबें अंदर जरूर मिलेगा। अली ओ जड़ा तकबीर उला दे नाल मिलदा रहा। इमामु लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो जनाबे मौला अली रदी अल्लाह तआला नु पुछया गया नी के आ जनाबे अबू बकर सदीक दे बारे की ख्याल है। जनाबे हजरत अली ने फरमाया ए सवाल करन वालियां सुन लै। सवाल करन वाला सवाल की करदा है, ऐ अली ये दसो तुसी अफजल हो या अबू बकर सदीक अफजल ने। उस वेले जनाब हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला नो आ फरमा लगे सवाल करन वाले आ। फरमाया सुन लै तू किवें इंसाफ करना, मैं या नबी दी आन दे विचों अबू बकर नबी दे हसाब विचों अगर सहाबा दी नजर अंदर वेखना चाहना है अबू बकर सदीक सारिया नालों अफजल है। फरमाया अगर सहाबा दी नजर अंदर वेखना चाहना है अबू बकर सदीक अफजल है। फरमाया सवाल करन वाले आ और सुन लै अबू बकर अफजल है। पर एक मौके दे जनाबे फारूक आजम दा दौरे खिलाफत है, फारूक आजम मिंबर दे बैठे ने, फारूक आजम आवाज पै कर दे ने हजरात तवज्जो करना ऐ किताब मेरे हथ दे अंदर है, ये अपने दी नहीं बेगाने दी भी इस बात से तस्लीम कर दे ने, बेगाने भी किताब नु मन देने। हजरात तवज्जो करना 160 सफे दे अंदर, हजरात तवज्जो करना जनाब उमर मिंबर दे बैठे हुए ने। एक बंदा आया के कहन लगा जनाब ऐ मेरा काम है, मैं तुहाडे कोलो फैसला करवाना चाहना। जनाब फारूक आजम ने फरमाया इस कम वास्ते मैं अली दी ड्यूटी लाई हुई है। फरमाया तू अली दे कोल चला जा। जदों इनी गल कीती ओ आने वाला कहन लगा जनाब
मैं ते अली कोल नहीं जाना, मैं ते तुआडे कोल आया वा, मैं ते अली कोल नहीं जाना। हजरा सुनियो तवज्जो करना, देखना नबी दे सहाबा दाली नाल किन्ना कु प्यार है, अली दा नबी दे सहाबा नाल किन्ना कु प्यार है। जदों उमर दी बारगाह अंदर बंदा कहंदा जनाब मैं ते अली वल नहीं जाना, मैं ते अली कोलों फैसला नहीं करवाना, उस वेले जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी दे नाल मिंबर तों थल्ले उतरे, ओदा गिरे बान पकड़िया, मुंह ते तमाचा मारिया, फरमाया दफा हो जा तू सुनिया नहीं, अल्लाह दे नबी दा फरमान है, मेरे आका ने फरमाया मर कौन तो मौला फहाजा अली मौला, फरमाया जिदा मैं मौला ओदा अली मौला। मोहब्बत नाल सारा मैं अबारद मैं पढ़ना वा, अली दा ना सीने दा टिल्ला के हाथ चुक के लेना मुहम्मद दी सुन्नत, क्योंकि मेरे आका ने सलातो सलाम मक्के दी वादी दे अंदर फतह मक्का दे मौके दे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ने हाथ पकड़िया जनाबे मौला अली दा, एक हाथ नबियां दे सरदार दा, दूजा हाथ वलियां दे सरदार दा, लजपाल नबी ने फरमाया ओए लोगों सुन लो मन कुन तो मौला, मन कुन तो माजी है, यानी के जड़ा गुजर गया ओ दे वास्ते भी, जड़ा उन वाला है ओ दे वास्ते भी, जड़ा मौजूद है ओ दे वास्ते भी। लजपाल नबी ने फरमाया मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, ओए लोगों जी दम मैं इंज नहीं मुहब्बत अल्लाह सारे दी जबान सलामत रवे, कदी भी तेरी जबान दे फालत ना गिरे। जड़ा बंदा मुहब्बत नाल सीने दा टल्ला के, बल्कि मैं किताबां दे भी पढ़िया है कि जड़ा बंदा अपना सीना ताके अपना सीना चौड़ा करके अली दा नाम लैंदा है ओदे ते मुहम्मद भी राजी होंदा है, मुहम्मद दा रब भी राजी हो जांदा है। मेरे आका ने फरमाया मैं कौन तो मौला फहाजा अली मौला, फरमाया लोगों सुन लो ओ जिदा मैं मौला ओदा। इंज नहीं मुहब्बत नाल मैं फिर बात समझाना चाहना वा, मिसाल दे के ए दुनियादारी दी मिसाल है। सैयद फरीदी छक्का मारे बड़े बड़े वडेरे बाबे जिन्ना दे मुंह अंदर दंद कोई नहीं हांगरे मार देने, पुछिए बाबा जी की गल है, ओ बाबा दा मौलवी जी तुहानू नहीं पता है ए पाकिस्तान दा नाम रोशन पिया करदा है, मैं क्या तेनू मैनू कम पै जाए, और सैयद फरीदी कम आवे के ना आवे असी ओदा जिक्र क्यों ना करिए। लोगों जदों सारिया छड़ जाना मदीने वाले ने करम फरमा देना है, मेरे नबी ने फरमाया मैं कौन तो मौला फहाजा अली मौला, फरमाया लोगों सुन लो ओ जिदा मैं मौला ओदा। पांच बारी मुहब्बत नाल सीने दा टल्ला के मुहब्बत नाल कहो जिदा मैं मौला ओदा, जिदा मैं मौला ओदा, जिदा मैं मौला ओदा, जिदा मैं मौला ओदा, जिदा मैं मौला ओदा। इमामुल अंबिया दा गुलाम उमर जलाल दे अंदर आ गया, आपने गिरे बांध तो पकड़ के मुंह दे तमाचा मारिया, फरमाया दफा हो जा ओ तू जानदा नहीं, नबी ने फरमाया ओ जिदा मैं मौला ओदा अली मौला, फरमाया अली ते उमर दा भी मौला है।
समझदार बंदे बैठे हो अपनी किताब नहीं बगानिया दी किताब कशफुल गुम्मा दे अंदर पुरानी शिया दी किताब है तवज्जो हजरात उस किताब दे अंदर एवे कि जनाब मौला अली ने अपनी सक्की धी दा रिश्ता जनाब उमर नु दिता अगर मौला अली दा इख्तलाफ हुंदा ते कदी भी अली अपनी धी दा रिश्ता उमर नु ना देंदे समझदार बंदे बैठे हो अल्लाह ना करे तुहाडा किसे दे नाल इख्तलाफ होवे तवज्जो करना तुहाडा किसे नाल इख्तलाफ होवे रिश्तेदारी करना दे दरकिनार असीं सलाम ही लैणा गवारा नहीं करदे ए ते तेरी मेरी गैरत है कि अली नू की समझना है मौला अली ने उमर नू की दा रिश्ता दिता अबू बकर होवे जिदे वल अली ने अपनी भरजाई दा निकाह केड़ी जड़ी जनाब अकील दी बेगम सी ओदा निकाह अबू बकर नाल कीता जिदे बदन दे विचों जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला नु पैदा होए अबू बकर दे विसाल तो बाद अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर दी परवरिश करन वाले दा नाम मौला अली अजीजा ने गरामी वक्त गुजरदा गया जनाबे मौला अली रजी अल्लाह तआला एक जंग दे अंदर आए एक दुश्मन आप दे नाल लगया मुकाबले दे अंदर आपने फरमाया भाई सुन ले ओनी देर मैं जंग नहीं करदा जिन्नी देर टिकरा मैं अली जिहाद ना करदा उन्हें क्या जनाब हो कि आपने फरमाया गल ले वे मैं तेरे नाल कर रही ने तीन गल्ला ओ त्रैवी गल्ला मन ले ते ठीक है मैं तेरे नाल लड़ पेना उन्हें कहा दसो बयान करो हुण जनाब मौला अली फरमाने लगे पहली गल ले वे छोड़ सारियां गल्ला मुहम्मद दा कलमा पढ़ के मुहम्मद दा गुलाम उन्हें कहा मैं ते नहीं कलमा पढ़ना फरमाया अच्छा हुण दूजी गल ले वे नस जा छड़ दे जंग नस जा और मैं अली होवां मैं पिछों कदी वार नहीं कीता जा जिंदगी बचा ले ते तुर जा उन्हें क्या जनाब तुर ते जावां लेकिन बलादरी कुनबा कबीला मैनू वेंदी है भाई कौम अगर मैं तुर गया ते मैनू सारी जिंदगी ताने देंगे फरमाया अच्छा फिर हुण तीजी गल ले वे वार पहले तू करना मैं वार नहीं करना ते अगर तू तीन वार मेरे ते कर ले ते तू मैनू शहीद कर ले ते मैं हाथ नहीं चुकांगा तेरे अंदर उन्हें क्या अच्छा मौका है ठीक है उन्हें हुण तलवार पकड़ी जनाबे मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आप ते हमला कीता जनाबे मौला अली ने ढाल बना के पहला हमला की पहला वार भी उहदा जाया चला गया दूजा वार कीता वह भी जाया चला गया तीजा वार कीता वह भी जाया चला गया हत्ता कि किताबां दे अंदर हुंदा उहदी तलवार टुट गई तलवार टुटी ओदी जबानों निकलिया या अली ठहर जाया अली जदों इन्नी गल कीती ते मौला अली ठहर गया फरमाया की गल है समझदार बंदे बैठो जंग शुरू हो वे ते जड़ा दुश्मन हो वे ओदी कोई आधार जड़ा टुट जाए हथियार जड़ा टुट जाए असी दियाने शुक्र इदा हथियार टुटा ते हमला करांगे हुण मौला अली मुस्कराए आपने फरमाया की किया उन्हें कहा अली मेरी मदद कर मौला अली ने फरमाया तू मैनू मुहम्मद दा गुलाम ना आखी जे मैं तेरी मदद ना की दस की गल है जनाब मेरी तलवार टुट गई है अपनी तलवार मैनू दे दे मौला अली ने फरमाया ले ए तलवार ले अपनी तलवार मौला अली ने उसनू दी ले भाई ओ हुण लग्या उन्हें कहा तलवार मेरे को आ गई मौला अली ते कोई गल नहीं मैं हमला करांगा मौला अली शहीद हो जाएगा ते मशहूर हो जाएगा कि जनाब एक बंदे ने तलवार भी अली दी ते अली ने उन्हां दी तलवार नाल शहीद कीता उन्हूं ए नहीं सी पता कि अली अली मुहब्बत नाल कहो यार सुभान अल्लाह ओनू ए नहीं पता कि अली अली है हुण जनाब मौला अली ने तलवार दित्ती ओ लगे हमला करन जदों ने वार कीता ना आपने अपने हाथ दे नाल आपने वार रोकिया हमला रोकिया दूजी वारी फिर उन्हें वार कीता फिर आपने अपने हाथ दी ताल बनाई तो तीजी वार उन्हें वार कीता ना आपने देखे मुड़दा नहीं पिया आपने अपने हाथ दे नाल इंज कीता ओदे इत्थों तलवार डिगी तलवार जमीन ते डिगी मौला अली ने तलवार पकड़ी फरमाया आ जा हुण मुहम्मद ने इजाजत दे दी है हुण तेरा इलाज मैं अली करना अजीजा ने ग्रामी मौला अली ने फरमाया मैं हुण भी तेनू आना या मुहम्मद दा कलमा पढ़ लै
ते मैं तेनू छड़ देंगा। आंदा जनाब मैं ते कलमा नहीं पढ़ना। जनाब मौला अली ने फरमाया जे कलमा नहीं पढ़ना ते तेनू मैं फिर ना नसजा ते मैं पिछों वार नहीं करांगा। ओ आंदा नहीं मैं नसना भी सी मौला अली ने शमशीर हैदरी दे नाल। मेरे मौला अली ने को वार कीता वार करन दी देर सिर तो लैके पैरां दे नौ तिकरा दो टोटे हो गए। जनाबे मौला अली रदी अल्लाह ताला मुस्कुरान लग पे फरमाया तू जानदा नहीं मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखिया। और हज़रात जंगे ओहद मौके दे जंग शुरू है किसे बंदे ने खबर फैला दिती है। ए खबर फैल गई मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ बिल्लाह शहीद हो गए ने। मौला अली जनाबे मौला अली एक जगह दे लड़ देने बह आप दे कन्ने अंदर खबर पहुंची मेरा नबी दे शहीद हो गया। आपने उत्ते तलवार छड़ी है अगर मेरा नबी शहीद हो गया है ते मैं अली ने जिंदा रह के की करना है। और जनाब मौला अली बगैर तलवार तो आप दौड़ के काफरां दे जुर्म दे अंदर उस तो काफरां वल जांदे ने बह जिथे पूरे जोबन नाल लड़ाई जा रही है। एक बेईमान अगे वधिया ओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलवार पे करदा है मुहम्मद दा गुलाम अगे ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦੂਜਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੁਲਾਮ ਅੱਤਾ ਕੇ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ 17 ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਜਾਨ ਕਈ ਮਾਮੂ ਲੰਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੀ ਸਲਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ ਲਜਪਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਓ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਠਹਿਰ ਜਾਓ और सामने ध्यान मारो मेरा अली आ गया है। हजरात जनाबे मौला अली रजी अल्लाह ताला नो कौन मौला अली जिन्हों अल्लाह करीम ने ऐसी शान दे मुकाम अदा कीता है। मौला अली ने उन्हें बेईमाना दा मुकाबला कीता और जनाबे मौला अली जनाबे मौला अली रजी अल्लाह ताला नो मेरे दे दया का इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कदमी देख के अली अर्ज करदा है सोनिया ए लज बाला अली दी जिंद टुर जाए पर सोनिया तेरा वाल भी निंगा ना होवे। लज पाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्के दे मौके दे मेरे नबी ने फरमाया अली जी आका फरमाया मेरे कंधियां दे सवार हो जा। सवार हो के बुतला अली कंधियां दे सवार है बुतला दे ने बे लज पाल नबी ने फरमाया अली कितों तक पहुंचे हैं। अली अर्ज करदा सुनया अगर जनाब दी इजाजत होवे ते मैं अरश ते पावे नू पकड़ लवा बल्कि पकड़ के थल्ले ले आवा। लजपाल नबी ने फरमाया अली थल्ले आ अली थल्ले आ जा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों मेरा अली होवे मेरा अली दुनिया ते भी मुहम्मद दा भरा है कयामत दे दिहाड़े भी अली मुहम्मद दा भरा। और हजरात वक्त गुजरता गया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली एक बंदा ऐसा होवेगा जेड़ा तेरी दाढ़ी नु खून दे नाल रंगीन करेगा तेरी दाढ़ी नु खून दे नाल सुरख करेगा बड़ा बदबخت इंसान होवेगा। एक ओ जेड़ा तेनू शहीद करेगा और दूसरा ओ जेड़ा हजरत ज़करिया अलैहि सलाम दी ऊंटरी नु ज़िबा करेगा। और जनाब हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे मुतल्लिक मैं पढ़िया आप नु अगर माल गनीमत दे अंदर दो दो मन सोना किन्ना दो मन सोना अगर मौला अली नु माल गनीमत अंदर मिले ते घर ओने तक तोला भी नहीं बचदा सारे मस्कीना नु देंदे आए गरीबा नु देंदे आए। और एक बार मौला अली रजी अल्लाह तआला नमाज पढ़दे ने पै ते नमाज तो फारग इक बंदा आ गया मौला अली मैं भुखा कईआं दिनां दा भुखा ते मैनूं रोटी खवाओ। अपने अपने गुलाम नु बुलाया फरमाया इहनूं खाना खिलाओ इहनूं रोटी दिओ। उहने कहा जनाब रोटी ते संदूक दे अंदर है फरमाया संदूक इहनूं दे दिओ। जनाब संदूक दे उठ उत्ते वे फरमाया इहनूं उठ दे दिओ। उहने कहा जनाब उठ दी जिहड़ा कतारां दे अंदर है फरमाया पूरी कतार ही दे।
فرمایا انو پوری قطار ہی دے دے ہو حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عام دا غلام سی دا ناسی عبد الرحمن ابن ملجم جڑا آپ دے نارین دا سی اور نبی کریم علیہ السلام دا فرمان پورا ہونا سی اور ان ایک دن تلوار لے کے آیا بڑی زبردست سونی تلوار بنوا کے آ کے کہندا علی اے میں تلوار دا تحفہ پیش کرنا اینو قبول فرماؤ تے جناب مولا علی نے فرمایا نہیں بھائی اے تلوار میں نہیں لینی تو کو رکھ کہن لگا کیوں جناب مولا علی فرمان لگے تیری تلوار دے وچوں مینوں اپنی مراد نظر آندی مینوں اپنی مراد نظر ہوندی تلوار کو رکھ وقت گزردا گیا ایک جگہ تے رات دا ٹائم ہے توجہ میرے وال کرنا ایک وقت تے رات دا ٹائم ہے ایک مکان دے اندر بچیاں گاندیاں نے پیاں جویں شادیاں موقعیاں تے شادی بیاہ دے موقعیاں بچیاں گاندیاں نے تے اے عبد الرحمن دے منجم اوتھے کھلو گیا اینے آواز دتی اور کتاب اندر ملدا اے دی شکل بڑی ڈرونی سی بچیاں اینو ویکھ کے ڈر گئیاں تے گھر وال دوڑ گئیاں ایک اور جیدہ نہ کتامہ یا کتام کتابن دروندہ ہے بڑی خوبصورت لمحہ قد اے عورت نکلی عبد الرحمن ابن ملجم دی نگاہی دے والے پئی اے او دا عاشق ہو گیا چلدا چلدا او دے مگر او اپنے گھر دے اندر داخل ہوئی تے مگروں دروازہ کھڑکایا اونے اتوں باری کھول کے دیکھیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کہن لگی ہاں دس کی گل ہے انہیں کہا میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا اونے کہا جا چلا جا تو میرا نکاح نہیں کر سکدا انہیں کہا کیوں اونے کہا میریاں شرطاں بڑیاں سخت ہیں عبد الرحمن ابن ملجم کہن لگا جیڑی بھی تیری شرط ہے دسنا تیرا کام ہے پوریاں میں کراں گا بول اونے کہا پہلا دے کے انیاں نوکرانیاں اونے کہ ملن گیاں اینا حق میں اونے کہ بھی دیاں گا انہیں کہا تیسرا میری شرط دے وے تیجی شرط دے وے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام دا خون انہیں کیا اے نہیں ہو سکدا مولا علی دا میں غلام ہوں مولا علی دا بڑا میرے تے آسان ہے تے میں نہیں کر سکدا انہیں کیا میں دو چیزاں ترک کر سکنی ہاں لیکن اے تیجی شرط میں ترک نہیں کر سکدی انہیں کیا کوئی گل نہیں ٹھیک ہے میں کراں گا ایک تامہ یا کتام نے ایک اپنا غلام نال لیتا اور مولا علی دی عادت مبارک سی آپ بڑی سرگی لینا آپ لوٹ کے مسجد پر لانا اور مسجد اندر آ کے آپ نے آواز بلند کرنا لوگ اٹھو اٹھو نماز واسطے لوگ اٹھو نماز واسطے آ پھر گھر والے گئے جا کے ساری کی اپنے بچیاں نو حسن حسین نو فرمایا بیٹا جلدی نال ساری کر کے تے مسجد اندر آ جاؤ تے نماز تو رہ نہ جانا ابا جی ٹھیک ہے ہن مولا علی ساری دا ٹائم ختم ہون دے چند منٹ نے کتاباں دے اندر ہوندا کہ مولا علی گھروں نکلن لگے تے بدکاں آپ دے نہ کپڑے میں پکڑ دینے چنجا دے نال تے حسن مولا حسن تے حسین انہاں نوں منع کر دینے پے فرمایا بیٹا چھوڑ دے اے دشمن نہیں اے تے پیار کرنے والے ابا جی یہ دی کی وجہ ہے یہ جانور کیوں فرمایا بیٹا تو نہیں جاندا آپ نے پانی دا گلاس منگوایا پانی دا گلاس پیتا پی کے آپ مسجد وچ ٹر پئے ہن عبد الرحمن ابن ملجم ایک جگہ تے چھپ کے کھڑا ہے نال جڑا کتامہ یا کتام نے بندہ دیتا سی غلامہ بنا اونوں عبد الرحمن ابن ملجم کہن لگا پہلے وار کری تو اگر بچ گیا پھر دوجا وار کراں گا میں انہیں کہا ٹھیک ہے ہن مولا علی اپنے تیان تشریف لے آ رہے ہیں بلکہ نالے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہوئی تے پورا ہونا ہے 17 رمضان مبارک یا 18 رمضان دی گل ہے ہن جناب مولا علی تشریف لے آ رہے ہیں انہاں مسجد وال لا رہے مسجد اندر داخل نہیں ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم مبارک ہوتا اور آپ نو او تیر مبارک لگا تے آپ زمین تے ڈگ پئے زمین دے ڈگے تے غلامہ نے دوڑ کے کپڑا پا کے عبد الرحمن ابن ملجم نے پکڑ لیا اور انہوں ایک تھم دے نال بنیا اونی دیر میں حسن دے حسین بھی مسجد اندر شریف لے آئے تو رولا بہ گیا کہ مولا علی دے حملہ ہو گیا عزیزہ نگرامی جناب حسن دے حسین تشریف لے آئے اور آپ نے آ کے فرمایا میرے باپے دے کنے حملہ کیتا ہے میرے بابے نے اج تک کسے نوں کی تکلیف دیتی ہے کوئی بندہ نہیں بولدا میرے حضرت مولا علی نے فرمایا بیٹا پانی جناب حسین پانی دا پیالہ لے کے آئے نے اجے مولا علی نے پانی پیتا نہیں عبد الرحمن ابن ملجم بولیا پانی فرمایا پترا مینوں رہن دے وہ میرے قاتل نوں پانی پیا دے وہ فرمایا مینوں رہن دے وہ
मेरे कातल नो पानी पिया दो इसे वास्ते अगर दादा इस तरह है ते पोतरा भी दिस दादे दा ये ना जनाबे जैनू लाबे दी मदीना तुल मुनावरा अंदर बैठे ने मुसल्ले उते एक बंदा दौड़दा होया आया आ गया आपने मुसल्ले दे गिर गया आपने पकड़िया नो पानी पिलाया वो कहंदा जनाब मैनू भुख लगी उन्हूं खाना खिलाया ओदी खिदमत अच्छी तरह की आप नू देखिया ते डर पिया डर के कम्मा लग पिया जनाबे जैनू लाबे दीन ने फरमाया क्यों कमन है कहंदा शहजादिया मैनू पछाणिया नहीं फरमाया क्यों शहजादिया जे मैनू यहां ते पछाणिया नहीं जे पछाणिया दे इनिया अतावा क्यों बे कर दे हो इनिया मेहरबानियां क्यों बे कर दे हो उस वेले जनाबे इमामे जानू लाबे दीन ने फरमाया ओ तू ओई बेईमान है जिन्ने मेरे वीर अली अकबर दे लाश दे गोड़े दड़ाए सन एक कह लगा जनाब है ते मैं होइया पर इनिया आतावा क्यों होंदिया ने पइया इनिया मेहरबानियां क्यों बा कर दे हो उस वेले जनाब जैनो लाबे दीन ने फरमाया ओथे असी तुहाडे मेहमान सा इत्ते तू साडा मेहमान है तू जाने ते मेरा रब जाने मैं नाने मुस्तफा दी सुन्नत नू जिंदा मौला अली ने फरमाया इनू पानी दे दियो वो कह लगा जी मैं ते पानी नहीं पीना क्यों कि जिंदर तुसी जिंदर शह मलाई होवेगी अल मुख्तसरे कि जनाब मौला अली ने फरमाया बेटा आगा आके मुसलमानों नू जमात कराओ और फरमाया अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद फैसला करांगा कि बदला लेना है तो या इनू माफ करना है तो बेटा अगर मैं शहीद हो गया मैं दुनिया तो चला गया मेरे जान तो बाद इक्को ही वार करना है दूजा वार भी नहीं करना देखो मौला अली दी लजपाली ऐवी शाना नहीं मिली ऐवी मुकाम नहीं मिले हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिन्नू अल्लाह शान ते मुकाम दवे ना जिन्नी ज्यादा अल्लाह शान दवेगा उन्नी ज्यादा अल्लाह गुनाह शांदर पावेगा अली नू अल्लाह ने शान ते मुकाम ऐवी नहीं दिता मौला अली फरमाते ने एक बार आका अली सलाम ने फरमाया कि जनाबे दाऊद अलैहि सलाम तो सवारी ते बैंदे सन ते पूरे अल्लाह ने मेनू अता कर दिता अल्लाह करीम ने शहादत मेनू दिती फरमांदे ने मैं अली होवां जदों सवारी ते बहना एक पैर रकाब अंदर दूजा रकाबों बाहर मैं अली पूरे कुरान की तलावत कर अलीओ किवें फरमाया लोगो तुहाडी जबान कुरान पढ़ दी है मैं अलीओ वा मेरा लू लू कुरान पढ़ अजीजा ने ग्रामी तवज्जो फरमाना जनाबे मौला अली रजी अल्लाह तआला घर लैंदा 19 रमजान अल मुबारक 20 रमजान अल मुबारक दी रात आई है मौला अली चार पाई दे लेटे होए ने जनाबे इमाम हसन कोल बैठे ने उस वेले मेरे मौला अली फरमांदे ने बेटा मैं राती सुता होया मैनू ख्वाब दे अंदर मुस्तफा दी ज़ियारत होई है मैनू ख्वाब दे अंदर काली सलाम दी ज़ियारत होई है मेरे आका ने सलाम से फरमाया अली कल मिल के रोजा खोलांगे ऐ बेटा मैं ते तुहाडे नाने मुस्तफा कोल जा रहा वा मैं ते इमामुल अंबिया दे कोल जा रहा वा हजरत हसन दी अखां चो आंसू आ गए थोड़ी देर तो बाद हुसैन भी आ गए जनाबे जैनब दे गलसून भी आ गईया समझदार बंदे बैठियो बाप नू पुत्रां नालों धीआं नाल ज्यादा प्यार हुंदा है बाप नू अपनी धीआं नाल ज्यादा मुहब्बत हुंदी है जनाबे मौला अली ने जनाबे जैनब नू करीब कीता जनाबे उम्मे कलसूम नू करीब कीता उहनां दीआं पछाणियां नू बोसा दित्ता फरमाया पुत्रा इहनां नू रोण ना दे आजे पुत्रा इहनां नू रोण ना दे आजे बेटा मैनू एक वेला नजर आउंदा है पुत्रा एक वेला ऐसा आएगा मेरिया धीआं ने बड़ा रोना है पुत्रा एक वेला ऐसा आएगा मेरिया धीआं ने बड़ा रोना है इन्हां नू चुप करान वाला कोई नहीं होवेगा मेरिया धीआं ने बड़ा रोना है कदी भरावां दे लाशियां नू वेख के रोण गईआं कदी पुत्रां दे लाशे वेख के रोण गईआं कदी भतीजियां दे लाशे वेख के रोण गईआं जनाब हज़रत जैनब सलाम मैनू ये दसो जिन्हां दे बाबे चले जान ओ अपनियां मावां प्यार करदियां ने मावां दलासे दिंदियां ने अब्बा जी मेरी ते मां भी चली गई है
अब्बा जी कौन साडे नाल प्यार करेगा। हजरात समझदार बंदे बैठे हो, अल्लाह तमाम दे वालदैन सलामत रहन, जिन्ना दे वालदैन दुनिया तो चले जाएगा उन्हां तियां नूं पुछ के वेखो ना, वो अपने परावां दे घर दे अंदर ते हुंदियां ने। जे जनाबे वाला परजाई कोई गल कर देवे अपने परां नाल जिक्र नहीं करदियां, किधरे मेरा पेका घर बुआ बंद ना हो जाए। अगर परा बोले भी ना भैन आके अपने परा दी कंड वेख वापस तुर जांदी है, क्योंकि घर रोवे मैनू अपनी मां दी याद सतांदी है, मैनू अपने बाप दी याद सतांदी है। हज़रत जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मौला अली दी बारगाह करी अब्बा जान मैनू ये दसो साडे नाल कौन प्यार करेगा, साडे नाल कौन मुहब्बत करेगा, अब्बा जी सानू कौन सीने नाल लाएगा। मौला अली ने फरमाया बिटिया घबराओ ना, ये जो अल्लाह दे फैसले ने इस फैसले अंदर कोई बंदा आके अड़ नहीं सकदा। ऐ बिटिया घबरा ना, मैं अली वादा करना वा तुहानू कोई भी परेशानी होवे बाप नू आवाज मारना ज़ैनब दा कम है, जवाब देना उहदे बाप अली दा कम। जे अल्लाह ने अली नू ये शान दिसी है, ये शान है खिदमतगार होंगी सरकार का आलम क्या होगा। अली नबी दा गुलाम है ना, अली नबी दा सहाबी है, ते मौला अली फरमा रहे ने अपने दी नहीं बगानियां दी किताब अंदर। मौला ने अब्दुस सत्तार अली हदीस ने लिखिया कि मौला अली फरमांदे ने बिटिया मेरे विसाल तो बाद आवाज मारना तेरा काम है, जवाब देना तेरे बाप अली दा काम है। ये शान है खिदमतगारों की सरकार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। हज़रात उन आखिरी शेर पढ़ के जिन्होंने अजे तक अली दा नाम नहीं लिया, मैं उन्होंने आगे भी अर्ज करांगा मुहम्मद की सुन्नत अदा हो जाए ते जुम्मातुल विदा अल्लाह दी बारगाह में दुआ कर लिए। या अल्लाह साढ़े जिन्ने अजीजो करब किसे दे वालदैन दे विचों जनाब किसे दी मां चली गई, किसे दा बाप चला गया, किसे दी औलाद विचों कुणबे कबीले दे विचों जेड़ा भी दुनिया तो चला गया, अल्लाह जुम्मातुल विदा दा सदका अल्लाह उन्हां दी बख्शी फरमा दवे, अल्लाह उन्हां दी कब्रां ते लात दाद रहम दा दा नज़ूर फरमा दवे। हज़रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो नबी तक गुलाम बोले हज़ूर खतीब अली सलाम साहबजादा पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब आप समाधि दामुर कात मुलालियां फरमांदे हुंदे अक्सर आप कहंदे हुंदे सन लोगो जिहड़ा बंदा चाहुंदा अल्लाह मेरे नाल प्यार करे, जिहड़ा बंदा चाहुंदा अल्लाह दा रसूल मेरे नाल प्यार करे, अल्लाह दे फरिश्ते मेरे नाल प्यार करन, सारे मोमन मेरे नाल प्यार करन। फरमाया नबी दी आल नाल प्यार करन, ओ नबी दी अज़वाज दी असहाब नाल प्यार करन। ते शाह जी किबला फरमांदे सन कि शाह जी किबला फरमांदे हुंदे सन लोगो जेड़ा बंदा चांदा है कि मौला अली मेरे नाल प्यार करन दिया, फरमांदे सन दिल विच रख के होब पंज तन दी, दिल विच रख के होब पंज तन दी, हैदर हैदर कई जा रब राजी होवे। सारा शर्म है बना सीने दा टल्ला के अपनियां बावां खड़ा करके हैदर दा नाम लवो, दिल विच रख के होब पंज तन दी, दिल विच रख के होब पंज तन दी, हैदर हैदर कई जा। यार इंज नहीं सियाने बंदे बैठे हो, अली दा जिक्र होवे जेड़ा बंदा अली दा जिक्र करेगा ए इबादत है, नबी करीम दी सुन्नत है। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी एक सुन्नत नु अदा करेगा अल्लाह सो शहीद दा सवाब अता करेगा। चकन वास्ते शर्माण वास्ते और डेरे बड़े ने और गल्लां बड़ियां ने, पर जिस बंदे ने इत्थे चकना है ना ओदे वर्गा बदनसीब इंसान कोई नहीं। नसीबां वाला ओ बंदा जेड़ा अली दा जिक्र हाथ चुक के करदा मोहब्बत नाल सारे गलो, दिल विच रख के होब पंज तन दी, दिल विच रख के होब पंज तन दी, हैदर 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 कई जा रब राजी होवे,
दिल विच रख के होब पंज तन दी, दिल विच रख के होब पंज तन दी, है दर है दर है। मोहब्बत ना सारे कहो है दर मोहब्बत ना सारे कहो हैदर दस वाला कहना ते मैं छड्डा। दिल विच होब पंज तन दी, दिल विच रख के होब पंज तन दी, है दर कई जा, है दर कई जा, है दर कई जा, है दर कई जा, रब राजी होवे, है दर कई जा, रब राजी होवे। दिल विच रख के होब पंज तन दी, दिल विच रख के होब पंज तन दी, है दर कई जा, है दर कई जा, है दर कई जा, رب راضی ہوے۔ اللہ فرماندا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جڑا بندہ عمل چنگے کرے گا پھر عمل چنگے کرن تو بعد پہلے ایمان تے پھر عمل چنگے کرے گا، فرمایا میں نو بشارت دے دینا او دا پیار لوکاں دے دلاں اندر پا دیاں گا۔ الحمدللہ اسی سنی نبی دے گھر والے دے بھی غلام ہاں، نبی دے در والے دے بھی غلام ہاں۔ اللہ کریم میری تواڈی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔